खास पेशकश सत्ता का संग्राम। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश के अंदर नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं। इसी के मद्देनजर मैं खड़ा हूँ गाजियाबाद के वार्ड नंबर 9 के वाल्मीकि कुंज एरिए के अंदर। आइए जानते हैं यहाँ के लोगों की समस्याएं क्या क्या हैं, पार्षद के अंदर ऐसी कौन सी समस्याएं रही जो अब तक हल नहीं हो पाई, और आने वाले समय में जो भी पार्षद आते हैं चुनकर वो किन किन समस्याओं की ओर ध्यान दें। आइए रूबरू होते हैं यहाँ की जनता से। मेरे साथ यहाँ पे कॉलोनी की ही स्थानीय महिलाएं, आइए इनसे बात करते हैं कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो 5 साल के अंदर हल नहीं हो पाई। मैम सबसे पहले ये पार्षद मौजूदा काफी रहते हैं तो फिर ये तो आते जाते रहते होंगे। अच्छा तो ये विकास क्या इन्होंने सुनाते में? विकास तो बहुत करा लेकिन विकास का फायदा तो नहीं हो रहा है। तो मैं कह रही हूँ इस तरीके का विकास किया कि देखने के भी क्या करते हैं, पानी है पड़ता है तो वो कैसे रोक सकते हैं। मेट्रो ने आधा से ज्यादा रास्ता बंद कर रखा है। इसका कहना है कि सुनवाई नहीं होती कहीं ना कहीं। तो इस बार के चुनावों के अंदर आप क्या चाहते हैं कि ऐसे कौन से पार्षद आए आपकी 24 घंटे आपके पास अवेलेबल हो? तो इन 5 सालों के अंदर अगर मैं बात सही बात है, मत दो वोट। वोट तो किसी उम्मीद से ही देते हो ना आप लोग। आपकी समस्या कहीं ना कहीं मलेरिया और हमारे साथ कुछ और भी स्थानीय महिलाएं हैं, आइए जानते हैं भी और वो भी होते हैं कि यहाँ के ऐसी कौन सी समस्याएं हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए, आप कितने साल हुए? 2 साल। अच्छा ये बताइए कि इस क्षेत्र की सबसे समस्या है तो ये लेकिन हम क्या करें, छोटे छोटे बच्चे जैसे हमारा जैसे कैसे दिन भर कमाते रहते हैं, खड़े हुए कहता है कि बिजली नहीं रहेगी तो हमें खतरा सब तो पहली बार। लेकिन हम क्या जानते कोई बात नहीं, सब दूसरी बात नाले का समाधान 5 साल से सुनने में आ रहा है लेकिन पता नहीं आगे से क्या पानी सही सर को नहीं बोल रहा और मैंने नहीं बोलिया अभी सर का इसमें कोई रोल नहीं बनता सब कुछ। हाँ तो ये खड़े भी हो रहे तो आपको कोई मैटर नहीं होता क्या बोल रहे हैं? यही कहना है श्रीमान हमारा तो आपको बोल रहा है वो हमसे जुड़े लोगों ने सुधार करवाए और सब महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है, महंगाई का सुधार स्थानीय पार्षद जो भी चुनकर आते हैं कौन से अहम मुद्दे होते हैं जिनके बाद हमारे नाम नहीं हमारा ये पुराना पार्षद है, पूरा नहीं था लेकिन काम करा है
कॉलोनी की इस गली के अंदर यानी मेन सड़क के अंदर आइए जानते हैं यहाँ पे सफाई व्यवस्था को लेकर क्या हाल है, जो बखूबी आप अपनी आंखों के आगे देख सकते हैं कि किस तरह गली के अंदर भी और लोगों की राय लेते हैं कि इस बार के चुनावों के अंदर स्थानीय पार्षद को लेकर किस तरीके की उनकी ओपिनियन है। छोटे छोटे बच्चे कहीं ना कहीं हमारे देश का भविष्य है और इस भविष्य को खेलने के लिए भी कहीं ना कहीं जगह चाहिए और इनके लिए वो जगह होती है पार्क, जो कॉलोनी के अंदर स्थानीय स्तर पर बनाए जाते हैं। इस पार्क की क्या हालत है आप अपनी नज़रों के आगे खुद देख सकते हैं। आइए यहाँ के छोटे छोटे बच्चों से मालूम करते हैं कि इनको क्या क्या परेशानी होती है। हमारे साथ एक छोटी सी बच्ची भी आई है, इससे बात करते हैं। आपका क्या नाम है बेटा? आप जब यहाँ पे खेलने के लिए आते हो तो आपको क्या क्या कभी आपको मम्मी पापा से कहते हो कि पापा यहाँ पे सफाई होनी चाहिए? अगर जब गंदगी होती है जैसा कि मच्छर भी आजकल बहुत सारे हैं तो आपको मच्छर भी काटते होंगे, बुखार भी होता होगा, तो आप क्या चाहते हो कि पार्क में सफाई होनी चाहिए यहाँ पे? तो आपने जैसा कि जाना कि यहाँ पे बच्चे का भी कहना है छोटे से कि पार्क की सफाई होनी चाहिए क्योंकि यह हमारे देश का भविष्य है, इनके साथ खिलवाड़ कतई नहीं किया जा सकता। आइए जानते हैं यहाँ के स्थानीय निवासियों से भी और बात करते हैं। आपका क्या नाम है? अच्छा, आप यहाँ पे जब खेलने के लिए आते हो तो ये पार्क के इसी तरीके से रहते हैं? तो क्या कहते हैं आपकी बात, जो भी आपके यहाँ पे आएंगे नेता लोग चुनकर, तो आप क्या चाहते हैं उनसे, क्या अपील करना चाहते हैं पार्क के लिए? क्या आपका पार्क साफ होना चाहिए, खेलने को कहीं ना कहीं प्लेग्राउंड मिलना चाहिए, इनकी भी ये समस्या जायज है कहीं ना कहीं। आइए और भी स्थानीय स्तर के लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे कॉलोनी की कुछ और भी स्थानीय महिलाएं हैं, आइए जानते हैं कि इनकी क्या कॉलोनी की मुख्य समस्या है जो अभी तक हल नहीं हो पाई है। सबसे पहले मैं आपका नाम पच्चीस सालों के अंदर ऐसी कौन कौन सी मुख्य समस्या है जो इस क्षेत्र में रही है? अब जैसे नाली का कूड़ा निकाल जाएंगे जब उनका दिल करेगा उठाने आएंगे, नहीं तो कुत्ते वगैरह। तो जब आपके स्थानीय पार्षद जी से आप बात करते हैं और लोग गए, जाहिर सी बात है मैं नहीं गई उनके पास में, और लोग कॉलोनी गए हैं उनकी क्या बात है, लेकिन मैं नगर निगम में कई बार मैंने कंप्लेन की थी। नगर निगम में आपने कंप्लेन की? पार्क के लिए मैंने नहीं, बिल्कुल नहीं दिया यार। नगर निगम में कई बार कंप्लेन होती है पार्क को लेके, सफाई को लेके कई बार कंप्लेन। अच्छा, जैसा कि मौसम कहीं ना कहीं खराब है गाजियाबाद के अंदर, आप आए दिन पढ़ते होंगे डेंगू और मलेरिया, तो फॉगिंग की व्यवस्था क्या रहती है? मच्छर वाले आपको आते हैं वोट देते हो? अगर मैं बात करूं समस्या यहाँ भी रहती होंगी, समस्या से सामना करना पड़ता होगा। अच्छा, समय समय पर जो भी सरकार की तरफ से तो आपके स्थानीय पार्षद नहीं, पार्क का तो बहुत गलत हाल है। नहीं, देखने को मिल गलत हाल है ना,
देख रही पार। इस बार के इलेक्शन लेकिन जहाँ बच्चे खेलते हैं वहाँ पार्क का इंतजाम कोई बनो मैं पार्क होगा तो वो है जो विकास चेहरा होगा या चेहरा तो इनका भी कहना है कि विकास होना चाहिए चेहरा अपनी जगह होता है। आइए और भी लोगों से बात करते हैं तो अच्छा ही हो रहा है दो तीन तरफ ना रोड रोड बस तो यही बोलना होता है बोलना इसमें तुम्हारे की समस्या के अलावा सारी समस्या तो दूर हो ही नहीं है तुम्हारे लाइट का फोक टाइम से हो रही है फोक टाइम से ना हो रहा है तो इन्हें तो भाभी जी ने मार दिया तो देखो इन्हें पुलिस रोकेगी तो ये जो समस्या कितने सालों से ये तो भाई दारू पी कर आपको कहना है कि इतने साल के अंदर जो पार्षद आते हैं वो कभी पार्क की तरफ कभी अगर मैं बात करूँ तो इन सफाई व्यवस्था को लेकर तो वो कैसी है यहाँ पे सफाई वाले तो आते हैं अगर मैं बात करूं कहीं ना कहीं पीने के पानी को लेकर तो वो क्या सुविधा आपको मिल रही है पीने के पानी तो बिल्कुल बेकार है मोल का पीते हैं पानी मोल का पीते हैं तो कभी आपने स्थानीय जो पार्षद है उनसे कभी इस ओर ध्यान देने के लिए कुछ कहा नहीं नंबर मेरा नंबर मेरे YouTube वो चैनल सब्सक्राइब कर लाइए मैं सब्सक्राइब तो इस बार कुछ बदलाव चाहते हैं कॉलोनी के अंदर ऐसे दो काम कौन से होने चाहिए जो जरूरी है तो वो दो काम कौन से एक तो सबसे पहले मैं सफाई रहेगी तो हमारी लाइव चल रहा है और दूसरी बात पीने का पानी हां नहीं ये लाइव ही तो कोई परेशानी नहीं है उसके सेफ सारी और तीसरी की परेशानी है कि अगर ये सही रहेगी तो बच्चा इधर नहीं जाएगा ये वाला नहीं चल रहा है आप कब चलेगा ये आपको परसों क्योंकि जितना हम लोगों ने स्टॉक कर रखा है पहले वो डाले चालू तो हो गया सब्सक्राइब कर दिया मैंने आपको सुनाई दे रहा हूँ जब पहली कर दिया मैंने सब्सक्राइब नोटिफिकेशन आ जाएगा माता जी दो सुनिए सुनिए मोदी का इलेक्शन नहीं है ये 2024 का जब मोदी का होगा तब बोलना मोदी के बारे में अरे वार्ड की बोल लो पहले मोदी की यही कहना है कि सफाई व्यवस्था कहीं ना कहीं होनी चाहिए चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए और अगर मैं बात करूं आपके लिए कि क्या समय समय पर पार्षद जी आप लोगों के बीच में मौजूद रहते हैं तो आप क्या बताएंगे तो यहाँ के जो पार्षद है वो आपके दोस्त है यार हमारे सारा एक ही टीम है अच्छा एक टीम है तो फिर उनसे अलग हो गए खड़े हो रहे जब वोट होता है जिस समय वोट दिया जाता है उस समय कहीं ना कहीं अपनी शक्ल दिखाया करते हैं और इस बीच में आइए और भी लोग वोट लेना आप सब हमारे गंदे हुए खड़े हो रहे हैं ये खड़ा करवा रहे हैं तुम्हें देख के बोल तुम पार्षद के घर गई तुम्हें बैठाया ना पार्षद ने अंदर ले जाकर बार तो तुम्हें गई एक बार हो तो पार्षद दावत करता रहा
70 साल से आप जब हमारे मौजूद रहते हैं तो ये समस्याओं का ये कितने सालों से है अब की बारी खड़े हुए हैं पार्षद मतलब ये नहीं जो अभी मौजूदा है वो साल खड़े होते हैं तो फिर भी कितने सालों से यहाँ पर मतलब वो पार्षद बनते हुए आ रहे हैं पार्षद बने 10-15 साल हो गए 5 साल से तो मैं नहीं देख इनका भी कहीं ना कहीं कहना है कि समस्याएं तो जस की तस बनी हुई है और समस्याओं का समाधान नहीं होता केवल आश्वासन दिया जाता है पार्षद जी की ओर से कि समस्याएं होंगी हमारी ये चर्चा आगे भी आप के बीच में जारी रहेगी तब तक के लिए देश और दुनिया की तमाम ताजा खबरों के लिए देखते रहिए समय भारत।